दोस्तों, क्या आप जानते हैं अभी भी जिंदा है केजीएफ के रॉकी भाई? जिमी कार्टर की मदद से बची रॉकी भाई की जान। केजीएफ सीरीज का दर्शकों में एक अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा है। हाल ही में इस फिल्म का दूसरा पार्ट सामने आया था, जिसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। वहीं जब केजीएफ 3 की घोषणा की जा चुकी है, अभी फिल्म का दूसरा पार्ट स्ट्रीम हो रहा है, लेकिन दर्शकों में केजीएफ 3 की कहानी जानने के लिए उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। फिल्म के फैन अलग अलग सोर्सेस से केजीएफ 3 की कहानी का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब हाल ही में फिल्म के तीसरे पार्ट से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि रॉकी भाई अब तक जिंदा है। वहीं रॉकी को किसने बचाया है, इसका खुलासा भी फैंस ने सोशल मीडिया पर कर दिया है। ऐसे में हर तरफ इसकी चर्चा भी हो रही है। दर्शकों के अनुसार केजीएफ फिल्म काफी दिलचस्प है और कहानी भी दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। वहीं केजीएफ 2 के अंत में देखा जा सकता है कि रॉकी भाई को समुद्र में फेंक दिया जाता है, लेकिन दर्शकों का दावा है कि रॉकी भाई अभी भी जिंदा है। इसका कारण भी फैंस ने खोज निकाला है, जिसकी हर तरह चर्चा हो रही है। दरअसल फिल्म में रॉकी एक शख्स से मिलते हैं जो उन्हें अपना नाम जिमी कार्टर बताता है। वही जिमी कार्टर को इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उसमें सबमरीन से जुड़ी जानकारी आती है। जी हाँ, जिमी कार्टर सबमरीन कंपनी के मालिक हैं और कहा जा रहा है कि जिमी की सबमरीन ने ही रॉकी भाई को बचा लिया होगा। फिल्म के निर्देश प्रशांत नील भी इस बात को छिपा कर रखना चाहते थे, लेकिन अब फैंस ने फिल्म के तीसरे पार्ट की कहानी का कुछ हिस्सा पहले ही जान लिया है। वही फैंस का ये रुझान काफी हद तक ठीक भी हो सकता है। जल्द ही दर्शकों के सामने फिल्म के तीसरा पार्ट भी आ जाएगा। ऐसे ही और नए फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।